हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पिक्चर अभी बाकी है। और इन वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज को। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए, और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में नो टाइप कीजिए। हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं और उनका जवाब भी देते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द बार, और मूवी की शुरुआत में हम एलिना नाम की लेडी को देखते हैं। एलिना किसी चौराहे पर थी और एलिना किसी से फोन पर बात कर रही होती है, और इस चौराहे पर बहुत ही चहल पहल होती है, यानी इस चौराहे पर बहुत से लोग होते हैं। फोन पर बात करते हुए एलिना उसी चौराहे पर बने एक बार में जाती है जहां कुछ और लोग भी थे। एलिना उस बार में जाकर कॉफी ऑर्डर करती है, तभी उस बार में एक और आदमी आता है, और यह आदमी जोर जोर से खांस रहा होता है, और यह आदमी उसी बार में बने एक बाथरूम में चला जाता है। बार की मालकिन अंपारो ये सब देख रही थी और वो उस आदमी पर गुस्सा करती है, और तभी इस बार में एक इजराइल नाम का भिखारी आता है, और ये भिखारी जोर जोर से गालियां बकने लगता है। तब उस बार की मालकिन अंपारो इजराइल को शांत कराती है और उसे अच्छे से व्यवहार करने को कहती है। बार में बैठे सभी लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, कॉफी पीने लगते हैं। तभी उस बार में सर्जियो नाम का आदमी आता है, और उसी वक्त उस बार में बैठा एक आदमी उस बार से बाहर जाता है। तभी कोई बार के बाहर उस आदमी को शूट कर देता है, मार देता है, और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वो आदमी अब घायल हो चुका था, वो तड़पने लगा था, उसका बहुत सारा खून बहने लगा था। किसी ने उसके सर पर गोली मारी थी, और बार में बैठे सभी लोग उस आदमी को देखने लगते हैं, और उस बार के बाहर चौराहे पर चहलकदमी कर रहे सभी लोग वहां से गायब हो चुके थे। वो सभी लोग वहां से भाग चुके थे। अब उस चौराहे पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसी बार में काम करने वाला सातूर पुलिस को फोन लगाने लगता है, पर उस बार में मोबाइल का सिग्नल भी नहीं मिल रहा था। अब बार के अंदर खड़े सभी लोग बहुत डर रहे थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उनमें से एक आदमी बार के बाहर जाने लगता है, और सभी उस आदमी को रोकते हैं, पर वो आदमी बार के बाहर आकर उस घायल आदमी की हेल्प करने लगता है। तभी कोई उस आदमी के सर पर भी गोली मार देता है, और वो आदमी भी मर जाता है। ये देखकर बार के अंदर खड़े सभी लोग और ज्यादा डर जाते हैं, और वो बार के शीशे के दरवाजे से दूर हटकर बार में जाकर छुप जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये गोलियां कहां से चल रही है, और बार के बाहर आने पर उन्हें कौन मारने वाला है। बार के अंदर के सभी लोग एक दूसरे से बात करने लगते है कि बाहर गोलियां कौन चला रहा है और क्यों चला रहा होगा, पर वो लोग किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते, और उस बार में किसी का मोबाइल सिग्नल भी नहीं आ रहा था। तभी एलिना कहती है, हमें न्यूज देखना चाहिए, टीवी चालू करते हैं। बार के सभी लोग टीवी पर न्यूज देखने लगते हैं, पर टीवी पर उस घटना की कोई भी न्यूज दिखाई नहीं जा रही थी। तभी उस बार में एक लेडी जिसका नाम ट्रिनी था, वो देखती है कि उस बार के बाहर वो दोनों लाशें गायब हो चुकी थी, और वहां फैला सारा खून भी साफ हो चुका था। ट्रिनी ये बात सभी को बताती है, और ये देखकर सभी शॉक रह जाते हैं, और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तब उन लोगों में से एक आदमी जिसका नाम एंड्रेस था, वो कहता है, बार के बाहर कोई है जो नहीं चाहता कि हम में से कोई बार के बाहर जाए। वहीं खड़ा सर्जियो कहता है, हो सकता है हम में से कोई किलर हो और शायद पुलिस उसे मारना चाहती हो सकता है वो कोई टेररिस्ट हो और बहुत खतरनाक हो, और उसके पास कोई विस्फोटक भी हो। उस बार में काम करने वाला सातुर कहता है, पर बाहर इतने सारे लोग थे, वो कहां गए। तभी वहां खड़ा नाचो अपना बैग अपने पांव से छुपा रहा होता है, और सर्जियो ये देख लेता है। सर्जियो और सभी लोगों को नाचो पर शक होता है, वो नाचो को पकड़कर उसका बैग खोलने लगते हैं। नाचो कहता है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें बस कपड़े है। पर सभी लोग उस बैग को खोलने से डर रहे थे। तब उस बार की मालकिन अंपारो उस बार के नौकर सातुर से वो बैग छीन कर उसके अंदर का सामान बाहर निकालती है, तो उस बैग के अंदर कुछ कपड़े और एक हार्ड ड्राइव निकलती है। नाचो कहता है, मैं एक एड कंपनी में काम करता हूँ और उस हार्ड डिस्क में मेरा डेटा है। पर सभी उस हार्ड डिस्क से भी डर रहे थे। तब एलिना उस हार्ड डिस्क को छीन कर अपने पांव से तोड़ देती है, और एलिना कहती है, क्या आप सभी लोग बच्चे हो, आपको किसी हार्ड डिस्क और विस्फोटक में पता नहीं चलता। नाचो कहता है, मैं बोल रहा था पर किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, पर यह ब्रीफ केस किसका है। नाचो एक ब्रीफ केस की तरफ इशारा करके कहता है। वही खड़ा सर्जियो कहता है, ये बैग मेरा है। पर उस बार की मालकिन अंपारो उस बैग को उठा लेती है, और सर्जियो इस बात का विरोध करता है। तब एंड्रेस अपनी गन निकालकर सर्जियो को रोकता है, और बार में वो भिखारी इजराइल अंपारो से वो बैग लेकर उस बैग को खोलने लगता है। सभी लोग उसे मना करते हैं, पर वो भिखारी उस बैग को खोल देता है, और उस बैग में बहुत से लेडी अंडर गारमेंट निकलते हैं।
उसी वक्त बार के बाथरूम की तरफ से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और सभी लोग बार के बाथरूम की तरफ जाते हैं तो वो दरवाजा अंदर से लॉक था। सर्जियो दरवाजा खटखटाता है पर कोई भी अंदर से दरवाजा नहीं खोल रहा था। तब एंड्रेस अपनी गन से दरवाजे के लॉक को तोड़कर वो दरवाजा खोलता है तो सभी लोग देखते हैं कि टॉयलेट सीट पर एक आदमी था और उस आदमी को कोई होश नहीं था। ये वही आदमी था जो फिल्म की शुरुआत में टॉयलेट में खांसते हुए गया था और अंपारो उस पर गुस्सा कर रही थी। इस आदमी का नाम टीपो था और ये आदमी कपकपा रहा था और इस आदमी के पास एक इंजेक्शन भी पड़ा हुआ था। सभी को लगता है कि हो सकता है इसने ड्रग्स ली हो इसलिए बेसुध पड़ा है। ये सोचकर सभी टॉयलेट से दूर चले जाते हैं। एलिना उस आदमी की हेल्प करने की कोशिश करती है और उसके पास रखा इंजेक्शन उठाकर देखने लगती है। तभी बार के बाहर एक गाड़ी आती है और इस गाड़ी से कुछ लोग निकलते हैं जिन्होंने मास्क पहन रखे थे। ये लोग गाड़ी के अंदर से टायर निकालकर इकट्ठा करने लगते हैं और बार के अंदर खड़े हुए लोग इन लोगों को आवाज लगाते हैं पर ये लोग किसी की आवाज को नहीं सुनते। ये लोग टायर इकट्ठा करके उसमें आग लगाकर वहां से चले जाते हैं और इसके कारण वहां पर बहुत सारा धुआं उठने लगता है। बार के अंदर टीवी चालू थी तो उस टीवी पर न्यूज आती है शहर के एक हिस्से में आग लग गई है जिसके कारण पुलिस और फायर फाइटर द्वारा इस एरिया को आम लोगों के लिए सील कर दिया गया है। सातुर कहता है ये लोग न्यूज में झूठ क्यों बोल रहे हैं। सर्जियो कहता है लगता है ये उन दो लोगों के मर्डर को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी बाथरूम से वो टीपो नाम का आदमी बाहर आ जाता है। इस आदमी का चेहरा फूल गया था और इसकी आंखें बाहर आ गई थी और यह आदमी देखने में बहुत ही डरावना लग रहा था। टीपो के हाथ में उसका मोबाइल था और टीपो वहीं पर गिर जाता है। बार के सभी लोग टीपो के पास में आकर देखते हैं तो टीपो अब मर चुका था। नाचो टीपो का मोबाइल देखता है तो टीपो की फोटो इस मोबाइल में आर्मी यूनिफॉर्म में थी। नाचो उस मोबाइल के और फोटो देखता है तो उन फोटो में कुछ लोगों ने पीपीई किट पहन रखी थी जो कि वायरस से बचने के लिए पहनी जाती है। वहीं खड़ा एंड्रेस कहता है जरूर ये किसी प्रकार का वायरस होगा और इसलिए इन लोगों ने स्ट्रीट को पूरी तरह क्लियर कर दिया, यहाँ से सभी लोगों को हटा दिया और इसलिए ये लोग हमें मारना चाहते है ताकि ये वायरस और ना फैले। वहीं खड़ा सर्जियो कहता है अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम सब इन्फेक्टेड है और हम सभी मारे जाएंगे। आगे सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे और भिखारी इज़राइल मरे हुए टीपो के ऊपर फूल चढ़ा रहा था। नाचो एलिना से बात कर रहा होता है और एलिना नाचो से कहती है हम हमारे घर में बालकनी के पास मोबाइल रखते हैं, तभी हमारे मोबाइल में सिग्नल आता है, हमें यहाँ पर भी यही ट्राई करना चाहिए। नाचो और एलिना उस मोबाइल में सिग्नल के लिए ट्राई करने लगते है। तब बार की मालकिन अंपारो सर्जियो और एंड्रेस से कहती है मैं नहीं मरने वाली, तुम्हें याद है मरने से पहले वो आदमी क्या बोल रहा था, मुझे मत छुओ और मैंने अब तक उस आदमी को नहीं छुआ है। तभी नाचो एक टेबल पर चढ़ता है और मोबाइल पर सिग्नल आने लगता है। नाचो कहता है सिग्नल मिल गया अब मैं क्या करूं। सर्जियो कहता है रेडियो वालों को कॉल करके ये बात बताओ। नाचो कहता है मेरे पास रेडियो वालों का नंबर नहीं है पर मैं मीडिया वाली एक लड़की को जानता हूँ और वो सभी को जानती है। नाचो मीडिया वाले उस लड़की को कॉल करके सब कुछ समझाने लगता है। तब तक सातुर भी टेबल पर चढ़कर उस मोबाइल से बात करने के लिए नाचो से मोबाइल मांगता है। तभी वो टेबल टूट जाता है और नाचो और सातुर दोनों टेबल से गिर गए थे। एंड्रेस नाचो से मोबाइल मांगता है पर अंपारो एंड्रेस को वो मोबाइल को छूने से मना कर देती है और कहती है ये मोबाइल उस मरे हुए आदमी का है, ये मोबाइल इन्फेक्टेड है। सर्जियो कहता है शायद अंपारो ठीक बोल रही है, हमें इनमें से किसी को नहीं छूना चाहिए। एंड्रेस अपनी गन निकालकर बाहर के सभी लोगों को अपने से दूर रहने को बोलता है क्योंकि ये सभी लोग कहीं ना कहीं टीपो के बॉडी के संपर्क में आए थे। इसलिए एंड्रेस अंपारो और सर्जियो इन सभी से दूरी बना लेते हैं और अंपारो सातुर को स्टोर रूम ओपन करके सभी को स्टोर रूम में जाने को कहती है और उस बॉडी को भी स्टोर रूम में ले जाने को कहती है। सातुर नीचे बना स्टोर रूम खोलकर नाचो के साथ उस बॉडी को नीचे स्टोर रूम में ले जाते हैं और अब सभी लोग नीचे स्टोर रूम में चले गए थे। अब ऊपर अंपारो सर्जियो और एंड्रेस बचे थे और नीचे तहखाने में नाचो सातुर इज़राइल ट्रिनी और एलिना चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ट्रिनी को घबराहट होने लगती है और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो ऊपर जाकर दरवाजा खटखटाने लगती है पर ऊपर का दरवाजा लॉक था। तभी ट्रिनी के हाथ से वहां रखे कैरेट गिर जाते हैं और उन कैरेट्स की बॉटल फूट गई थी। नाचो देखता है उन बॉटल का लिक्विड एक दिशा में बह रहा था। नाचो वहां रखे पेपर कार्टून हटाता है तो ये लिक्विड स्टोर रूम में बने ड्रेनेज होल में जा रहा था और यहां से पानी ड्रेनेज लाइन में जा रहा था। सातुर कहता है जब कभी बारिश ज्यादा होने लगती है तो इसमें से पानी बाहर आने लगता है। भिखारी इज़राइल उस ड्रेनेज की जाली को खोलता है। ये देखकर सभी कहते हैं वो लोग इस ड्रेनेज लाइन में नहीं जाने वाले पर इज़राइल उस ड्रेनेज लाइन में जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने कपड़े उतारने लगता है।
और वो स्टोर रूम में रखे तेल के कैन को अपने ऊपर डालने लगता है ताकि चिकनाहट होने के कारण वो ड्रेनेज लाइन में जाकर स्टोर रूम से बाहर निकलने का रास्ता खोज सके। नाचो इसराइल को अंदर जाने के लिए ढकेलता है पर इसराइल और अंदर नहीं जा पाता, वो वहाँ पर फंस गया था। तभी ऊपर गोलियां चलने की आवाज आती है और एलिना और ट्रिनी डर कर चिल्लाने लगती है पर नाचो सभी को शांत रहने को बोलता है। सातुर तहखाने के दरवाजे के पास जाकर आवाजें सुन रहा था। नाचो कहता है क्या ये लोग एक दूसरे को गोली मार रहे हैं? सातुर कहता है नहीं, ऊपर और भी लोग हैं और वो लोग इनको मार रहे हैं। ऊपर लगातार गोलियां चल रही थी जिसके कारण तहखाने में सभी लोग डर रहे थे और तहखाने के दरवाजे से धुआं भी निकलने लगा था। ऊपर आग लगा दी थी, यानी ऊपर अंपारो, सर्जियो और एंड्रेस को मारकर किसी ने बार में आग लगा दी थी। तहखाने में सातुर नाचो इसराइल को ड्रेनेज होल से बाहर निकालते हैं ताकि धुएं के कारण उनका दम ना घुटे। थोड़े समय बाद आग बुझने के बाद नाचो ऊपर जाता है तो ऊपर बार में सब कुछ जल चुका था और कुछ लोग बार के दरवाजे को बाहर की तरफ से सील कर रहे थे। नाचो वहीं रखी एंड्रेस की गन को अपने पास छुपा लेता है और नाचो सभी को शांत रहने को बोलता है क्योंकि इनकी आवाज किसी को बाहर आ गई तो इन्हें भी मार दिया जाएगा। तभी इन सभी को कोई आवाज आती है और सभी इधर उधर देखने लगते हैं। सभी देखते हैं तो वहां पर उस मरे हुए आदमी टीपो का मोबाइल रिंग हो रहा था। एलिना उस मोबाइल को उठाकर उस पर आए व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ने लगती है। एलिना कहती है ये मरने से पहले किसी से बात कर रहा था और कोई इससे पूछ रहा था क्या तुम ठीक हो वैक्सीन लेने के बाद, और ये मरा हुआ आदमी सामने वाले आदमी से बोल रहा था नहीं मुझे 2 दिन से बुखार आ रहा है, तुम यहाँ पर मत आना, मैं यहाँ पर बाथरूम में छुपा हूँ। आगे एलिना इससे पहले के मैसेज पढ़ती है तो यहाँ पर मरा हुआ आदमी टीपो वो दूसरे आदमी से बोल रहा था मैं अभी रास्ते में हूँ और मेरे पास 4 और है। ये पढ़कर एलिना कहती है ये आदमी बाथरूम में जाकर अपने आप को इंजेक्शन लगा रहा था, पर क्यों? नाचो कहता है हो सकता है ये इंजेक्शन वैक्सीन थी और शायद इससे ठीक हो सकते है। ये सुनकर सभी खुश होते है और एलिना कहती है अगर ये वैक्सीन होती तो ये लोग हमें क्यों मारना चाहते हैं? नाचो एलिना से मोबाइल लेकर उसके मैसेज पढ़ने लगता है और इन मैसेज में मरा हुआ आदमी टीपो कह रहा था मेरी खांसी बंद नहीं हो रही, और सामने वाला आदमी टीपो से कहता है पर इस वैक्सीन ने उस नन पर काम किया था और वो ठीक हो गई थी। ये पढ़कर नाचो सभी से कहता है मतलब वो वैक्सीन काम करती है और इसने किसी नन को भी ठीक किया था। ये सुनकर ट्रिनी कहती है पर इसने तो वैक्सीन ली थी तो ये क्यों मर गया? सातुर कहता है ये आदमी 2 दिन से बीमार था और इसने ये बात मैसेज में भी कही। तभी उस मोबाइल पर किसी का फोन आता है पर उस मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी। आगे सातुर उस मोबाइल का चार्जर ढूंढने लगता है। तभी एलिना कहती है मैं कुछ सोच रही हूँ उस मैसेज के बारे में जिसमें इस मरे हुए आदमी ने कहा था मेरे पास 4 और है, उसके पास ऐसा क्या था, वो किस बारे में बात कर रहा था? नाचो कहता है हो सकता है उसके पास 4 वैक्सीन के डोज हो, वो हमारे काम आ सकती है। सभी टीपो की बॉडी के पास वैक्सीन इंजेक्शन ढूंढने लगते हैं पर उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता। वो ऊपर जाकर टॉयलेट में जाकर ढूंढने वाले थे पर ऊपर भिखारी इसराइल को वो वैक्सीन डोज मिल जाते हैं। ये 4 वैक्सीन इंजेक्शन थे और ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। इसराइल कहता है ये 4 इंजेक्शन है पर हम लोग 5 है। सभी इस बारे में बात करने लगते है कि इसे बांटेंगे कैसे। तब तक इसराइल एक इंजेक्शन निकालकर अपने हाथ में लगाने लगता है। नाचो उसे गन दिखाकर डराता है पर इसराइल एक इंजेक्शन अपने हाथ में लगा देता है। गुस्सा होकर नाचो इसराइल को मारने लगता है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। बदले में इसराइल भी नाचो को मार मार कर उसे घायल कर देता है और उसकी गन छीन लेता है। सातुर उन बची हुई 3 वैक्सीन के इंजेक्शन को उठाने लगता है पर इसराइल सातुर को भी मारता है जिसके कारण वो वैक्सीन बॉटल तहखाने में यानी स्टोर रूम में चली जाती है। ट्रिनी तहखाने में जाकर उस वैक्सीन बॉटल को उठाती है पर उसके हाथ से वैक्सीन बॉटल छूटकर ड्रेनेज लाइन में जाकर गिर जाती है। आगे सभी लोग तहखाने में थे और सभी लोग ये सोच रहे थे कि ड्रेनेज लाइन से वो वैक्सीन कैसे लाई जाए। सातुर एलिना को सीवर हॉल में जाने को कहता है क्योंकि वो दुबली थी पर एलिना हॉल में जाने से मना कर देती है। तब इसराइल एलिना को गन दिखाकर उसे हॉल में जाने को कहता है। सातुर एलिना को तेल में नहलाकर उसे हॉल में भेजता है पर एलिना हॉल में नहीं जा पा रही थी, वो भी वहां पर फंस गई थी। सातुर और ट्रिनी उसे दबाकर उसे सीवर लाइन में भेजने की कोशिश करते हैं और बड़ी मुश्किल से एलिना उस सीवर लाइन में जा पाती है और उसमें जाकर वो गंदे पानी में गिर जाती है और अंदर एलिना को वो वैक्सीन बॉटल भी मिल गई थी। ऊपर से नाचो तार के सहारे बल्ब लाइट की रोशनी करता है और वो एलिना से कहता है एलिना इंजेक्शन को तार में बांध दो, हम इसे ऊपर ले लेंगे। एलिना कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें नीचे आना होगा। एलिना सीवर लाइन से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगी थी और नाचो सातुर इसराइल उस सीवर होल को तोड़कर बड़ा करने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग भी नीचे जा सके।
एलिना को सीवर लाइन में एक जगह रोशनी दिखाई देती है और एलिना वहीं एक होल में वैक्सीन बॉटल को छुपाकर ऊपर चढ़कर देखने लगती है। तो एलिना देखती है कि ऊपर बहुत सारी पुलिस सिक्योरिटी थी और पीपीई किट पहने कुछ लोग लाशों को जला रहे थे। ये तीनों लाशें उन लोगों की थी जो बार में ऊपर थे। अब नाचो, इसराइल, सातुर, ट्रिनी भी होल के जरिए सीवर लाइन में आ गए थे और नाचो पानी में इसराइल से लड़कर उससे गन लेकर पानी के अंदर ही इसराइल को गोली मारकर बाहर आ जाता है। अब नाचो के पास गन थी और ये देखकर एलिना, ट्रिनी और सातुर नाचो से डर रहे थे। नाचो एलिना से वैक्सीन मांगता है पर एलिना वैक्सीन देने से मना कर देती है और उसे गन फेंकने को कहती है। नाचो सातुर पर गन अड़ाता है और एलिना को कहता है, सोच कर देखो, अगर ये मर गया तो तीन डोज बचेंगे और हम लोग तीन हैं। एलिना सातुर को छोड़ने के लिए बोलती है और वो नाचो को वैक्सीन बताने के लिए हाँ कह देती है। अब चारों एलिना के कहने पर उस वैक्सीन बॉटल के पास जा रहे थे जहां पर एलिना ने वो बॉटल छुपा रखी थी। ट्रिनी रास्ते में अपने साथ लाए सिक्कों को डाल रही थी ताकि वो लोग रास्ता ना भूले। आगे सीवर लाइन में अंधेरा था तब ट्रिनी सातुर को पानी में धक्का दे देती है और उसे डुबाने की कोशिश करती है पर नाचो गन फायर करके ट्रिनी को ऐसा करने से रोकता है और आगे जाकर वो ट्रिनी से कहता है, इसराइल हम लोगों के लिए खतरनाक था इसलिए मैंने उसे मारा, पर हमारे लिए सातुर खतरनाक नहीं है। सातुर कहता है, मैं अब तक तुम सब लोगों की हेल्प कर रहा था पर तुम सभी लोग मुझे मारना चाहते हो। ट्रिनी कहती है, यूं भी एलिना तुम्हें वैक्सीन नहीं देने वाली थी। एलिना कहती है, मैंने कहा था मैं सभी के साथ शेयर करूंगी। ट्रिनी कहती है, चलो अब सब कुछ खत्म करते है, तुम मुझे मार दो। नाचो ट्रिनी पर गोली चलाने वाला होता है पर वो ट्रिनी को नहीं मार पाता। ट्रिनी नाचो से गन लेकर वहां से दूर जाकर अपने आप को ही गोली मार देती है। गोली की आवाज से एलिना रोने लगती है और नाचो कहता है, अब हम तीन हैं और तीन वैक्सीन है। एलिना सातुर और नाचो उन दोनों को वो इंजेक्शन देती है और खुद भी अपने पास एक इंजेक्शन रख लेती है। तभी इन तीनों को कहीं से सिक्कों की आवाज आती है और ये तीनों वहां पर जाकर देखते हैं तो वहां पर ट्रिनी की बॉडी पड़ी हुई थी और वो मर चुकी थी। तभी इसराइल सातुर के पीछे से आकर उसे रॉड से मार देता है और अब सातुर मर चुका था। ये देखकर नाचो और एलिना भागते हैं और इसराइल उनको मारने के लिए उनके पीछे भागता है। आगे नाचो और एलिना को एक सीढ़ी दिखाई देती है और वो दोनों उस सीढ़ी से ऊपर जाते हैं और इसराइल भी उस सीढ़ी पर चढ़कर उन दोनों का पीछा कर रहा था। तभी एलिना से उसका वैक्सीन इंजेक्शन नीचे गिर जाता है और एलिना और नाचो ऊपर जाकर सीवर लाइन का ढक्कन खोलने लगते है पर उनसे वो ढक्कन नहीं खुलता। तभी इसराइल पीछे से आकर नाचो को नीचे गिराने की कोशिश करता है और नाचो अपना वैक्सीन इंजेक्शन एलिना को देता है। नाचो और इसराइल दोनों नीचे गिर जाते हैं और दोनों नीचे गिरकर मर जाते हैं। एलिना ये देखकर दुखी होती है और एलिना उस वैक्सीन इंजेक्शन को अपने आप को लगाती है और एलिना ऊपर वाला सीवर लाइन का ढक्कन खोलकर अब ऊपर आ गई थी। एलिना ऊपर आकर देखती है तो ऊपर पुलिस की गाड़ियों ने अभी भी उस एरिया को सील कर रखा था और एलिना उस जगह पर थी जहां पर बहुत सारे लोग थे वो चहलकदमी कर रहे थे, यानी एलिना सील एरिया से बाहर आ गई थी। एलिना खड़ी होती है तभी एक लेडी अपना जैकेट एलिना को देती है और एलिना चुपचाप उस एरिया से दूर चली जाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, टीपो आर्मी में था, जहां पर वो आर्मी के लिए काम कर रहा था वहां से वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था। टीपो उस बार में जाता है तो वहां पर उसके कारण सभी के इन्फेक्टेड होने का खतरा था, इसलिए पुलिस और एजेंसियों ने शहर के उस एरिया को सील कर दिया था और वो उस बार के सभी लोगों को मारना चाहते थे ताकि और लोग इन्फेक्टेड ना हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यस टाइप कीजिए और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो नो टाइप कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।